A very good morning everybody. I hope you are well. आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं G20 प्रेसिडेंसी के बारे में, क्योंकि अभी आप बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करेंगे तो G20 अभी करेंट इशू है. और G20 क्या है, G7 क्या है, G8 क्या है, इन सारे टॉपिक से तमाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो UPSC लेवल का हो या फिर किसी स्टेट का PCS लेवल का हो या फिर SSC हो या फिर कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम है. इस टॉपिक से, इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे. आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे विदाउट स्किपिंग तो आई होप यू विल आंसर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द G20 एंड समथिंग लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि G20 है क्या, आखिर इसका नाम 20 ही क्यों रहा, क्योंकि जब आप G20 के बारे में समझेंगे तो इससे पहले G7 आएगा, G8 आएगा. तो ये तमाम बातें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. कैसे डिस्कस करेंगे, आराम से बहुत इजी वे से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे. ओके, तो G20 प्रेसिडेंसी क्या है, ठीक है. सबसे पहले आप सब लोग का वेलकम है, वेलकम टू इंडिया G20 प्रेसिडेंसी. और आप एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. एक्चुअली इसमें जो भी सारे चीज़ें हैं वो सब किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा. पूछने का तरीका क्या होगा ये हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले G20 के बारे में लेक्चर डिलीवर करने से पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे. देखिए PYQ क्वेश्चन में जो मामला है, कहा है कि UPSC ये PYQ में जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में से किस देश, किस एक समूह में चारों देश G20 के सदस्य हैं. और आप इस तरीके से देख रहे हैं G20 के मेंबर को पूछ रहा है कि कौन कौन से कंट्री है, और हमारे पास इस तरीके से इतने सारे कंट्री का क्या है, ग्रुपिंग है. तो अब बताइए 20 कंट्री का आपको नाम याद रखना, कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हम आपको ट्रिक भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आप वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक को समझ जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन को कर लेंगे. आपको आंसर पता हो या ना हो, आंसर बता देने पर फिर क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए पहले आप क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है, और आगे भी पूछने का क्या संभावना है. तो आई होप आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास आता है कि G20 है क्या. तो G20 जो G20 में G का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आइए डिस्कस करने से पहले हम लोग ये समझते हैं G का मतलब क्या हुआ, ग्रुपिंग, ठीक है, ठीक है. ग्रुपिंग या ग्रुप, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ठीक है, 20 देशों का समूह याद रखेंगे. मतलब जब 20 कंट्री आपस में मिल जा रहे हैं, 20 कंट्री आपस में क्या हो रहे, कंबाइंड हो रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम हम लोग रखें G20. आखिर G20 कंट्री को कंबाइंड होने के पीछे रीज़न क्या है, G20 का मतलब होगा क्या, इससे पहले G8 था, G7 था, ठीक है, वो सबके मतलब को हम लोग समझेंगे, सुनेंगे. सबसे पहले G7 था, फिर G8 आया, मतलब हमारे वर्ल्ड के 20 कंट्री ने मिलकर एक ऐसे ग्रुपिंग किया कि एक दूसरे के साथ अगर आर्थिक रूप से अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे को वो हेल्प करेंगे. और हेल्प करने के लिए सबसे पहले वो लोग मीटिंग भी किए, साथ ही साथ और भी मीटिंग चल रहा है. अभी जो करेंट सिनेरियो है, इंडिया जिसका प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 का, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है. ये PYQ क्वेश्चंस है इसके बारे में. तो आइए बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ क्या है, हिंदी में समझते हैं, फिर उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद आप इजी वे से क्या करेंगे उसको समझने का कोशिश करेंगे. ओके, तो कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, इंटरनेशनल इकोनॉमिकल हेल्प आपको करेगा, ठीक है. एक प्रमुख क्या है, मंच है, मतलब एक स्टेज है, ठीक है, जिसमें ये सारे कंट्री क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और एक दूसरे को कॉपरेशन करेंगे, कॉपरेट करेंगे. जैसे कि क्या है कि अभी दोस्तों में क्या होता है कि 5 दोस्त हैं, 7 दोस्त हैं, क्लास में भी क्या होता है कि बच्चों के बीच ग्रुपिंग होता है. तो मान लीजिए कि पहले 7 बॉयज़ का अलग ग्रुपिंग है और 13 अलग बॉयज़ का ग्रुपिंग है, ठीक है. तो जो 7 बॉयज़ का ग्रुप हो गया वो ग्रुप 7 G7 हो गया, और आखिर और जो एक्स्ट्रा मतलब 14 या फिर 13 कंट्रीज़ का ग्रुपिंग हो गया तो उसको G13 G14 बोलेंगे. फिर आपस में ये लोग कंबाइंड हो गए,
क्या इसके पीछे रीजन है, किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो करंट में जो मामला चल रहा है, ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अभी जो G20 जो चल रहा है, ठीक है, सम्मेलन जो हो रहा है, वो उसका लीडरशिप किसके हाथों में है, ठीक है, तो भारत उसका लीडरशिप कर रहा है। और कब से, तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इज इट क्लियर? तो ये VVA ऑब्जेक्टिव है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या चीज़ की भारत कब से कब तक G20 का अध्यक्षता किया। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि 1 दिसंबर 2022 से, ठीक है, 30 नवंबर 2023 तक क्या किया, ये इसका अध्यक्षता किया। तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे चलेंगे कि G20 की स्थापना क्यों की गई, ठीक है। Establishment of G20, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, कभी भी प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। विदाउट प्रॉब्लम देर विल नो एनी सॉल्यूशन, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ उसका सॉल्यूशन है। तो कह रहा है कि G20 की जो स्थापना की गई वो 1999 में की गई, ठीक है, जो एशियाई वित्तीय संकट के बाद, ठीक है, कौन कौन मिलकर वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इसका स्थापना की गई, ठीक है। तो इनके साथ कौन कौन मिलकर भाई इसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये पूरे इंटरनेशनल मामला है तो सब लोग तो इसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं। तो फाइनेंस मिनिस्टर और जो है केंद्रीय बैंक के गवर्नर, ठीक है, ये लोग आपस में मिलकर इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट VVI मामला है, इसके लिए थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, इधर सुनेंगे कि पहले बना था G7 G8 का, G8 आएगा फिर उसके बाद में इधर, उससे पहले G7 है। जी का मतलब आप यहाँ समझेंगे ग्रुपिंग, नॉट फॉर जनरेशन समथिंग लाइक दैट। तो पहले G7 में कितने कंट्री थे, ठीक है, तो G7 में पहले जो थे वो विकसित देश थे। कौन से देश थे? विकसित देश, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डेवलप्ड कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थे। तो थोड़ा सा समझेंगे ये जो मामला था G7 में क्या हो रहा था, किस तरीके से हो रहा था, सुनेंगे। अगर कोई पूछे कि इनमें से G7 का कौन सा देश नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इज इट क्लियर? तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक को समझेंगे। वो ट्रिक क्या है कि आजा रूबी फ्राई करें, ये सारे हम लोग लेटर को तोड़ेंगे तो अलग अलग वर्ड बनेंगे। जैसे आ से क्या हो गया, अमेरिका, जा से क्या हो गया, जापान भी हो गया, और कौन सा हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है। रू से क्या हो गया, रूस हो गया, बी से क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रा से क्या हो गया, फ्रांस हो गया, ई से क्या हो गया, इटली हो गया, और क से क्या हो गया, कनाडा हो गया। तो आप देख रहे हैं ये सारे जो हमारे पास कंट्री हैं ये सब G7 के कंट्री हैं, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ 7 कंट्री, लेकिन इसमें 8 है। कभी कभी क्या है कि हम लोग यहाँ से ये एक कंट्री मतलब इल्यूमिनेट हो गया, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हो गया, G7 बन गया, ध्यान रहेगा। तो आज के बाद आपसे अगर पूछेगा कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ G8 कंट्री, तो ये सब डेवलप्ड कंट्री के सीरीज में थे। तो ये सब डेवलप्ड कंट्री के सीरीज में थे मतलब विकसित देश थे। फिर मामला ये हुआ कि विकासशील देश भी अपना एक अलग ग्रुपिंग करेंगे, तो विकासशील देश जब अपना ग्रुपिंग कर रहे थे, इन लोगों को बात पता चला, तो ये लोग भी आकर आपस में कंबाइंड हो गए कि विकासशील और विकसित दोनों मिलकर अब साथ में क्या करेंगे, काम करेंगे, इज इट क्लियर? तो ये G8 कंट्री का ट्रिक हो गया। वन सेकेंड, आई वुड लाइक टू रिप्लाई, ठीक है, इसका ट्रिक क्या आप याद रखेंगे, आजा रूबी फ्राई करें। तो आज से क्या याद रखेंगे, अमेरिका, ठीक है, जा से जापान भी और जर्मनी भी, दोनों जा से स्टार्ट हो रहा है। रूस से क्या होगा, रूस, बी से क्या होगा, ब्रिटेन, फ्रांस से क्या होगा, फ्रांस, और ई से क्या होगा, इटली, और क से क्या होगा, कनाडा। अब बोले कि इसको याद करने के पीछे क्या रीजन है, अभी आप देख रहे हैं कि मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से कंट्री G20 के सदस्य हैं या फिर मेंबर नहीं है, या फिर G8 के हैं या फिर नहीं है, तो इस तरह का तमाम क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप इस तरह के ट्रिक को देखेंगे तो आई होप यू कैन इजिली गिव द आंसर ऑफ द सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इज इट क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे व्हाट विल बी द नेम ऑफ 20 कंट्रीज एंड हाउ यू कैन रिमेंबर अबाउट द नेम ऑफ दैट 20 कंट्रीज हु इज पार्टिसिपेटिंग हियर, ठीक है। तो इसके लिए भी ट्रिक है, आप थोड़ा ट्रिक को देखेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक दैट यू कैन लर्न एंड गिव द आंसर टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। और इसका क्या है, थोड़ा सा ट्रिक्स पहले समझेंगे, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है कि एक स्टूडेंट है वो अपने टीचर से बोलता है, गुरुजी से बोलता है
क्या बोलता है कि गुरुजी सीता नाम की जो लड़की है वो अब ACCFCI में काम करती है या फिर जॉब करती है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, या आप यहाँ कर सकते हैं क्या चीज़ काम करती है कुछ तरीके से ऐसा। तो एक स्टेटमेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, आप देखिए। जैसे हम जी को क्या किए यहाँ पे ऐसा तोड़े, तो जी से क्या हो गया, जर्मनी हो गया। यू से क्या हो गया, यूएसए हो गया। ठीक है, आर से क्या हो गया, हमारे पास रसिया हो गया। ठीक है, यू से क्या हो गया, यूके हो गया। जे से क्या हो गया, जापान हो गया। आई से क्या हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, फिर सीता आता है तो गुरुजी का मतलब समझ गया। फिर से जी से क्या हो गया, जर्मनी हो गया। यू से क्या हो गया, यूएसए हो गया। आर से क्या हो गया, रसिया हो गया। ठीक है, यू से क्या हो गया, यूके हो गया। और गुरुजी के बाद फिर जी ई आता है। ठीक है, जे ई किसी के साथ किसी भी नाम के हम लोग अंत में यूज करते हैं जी। ठीक है, तो जे से क्या हो गया, जापान। आई से क्या हो गया, इंडिया हो गया। अब देखिए सीता, सीता नाम की कोई लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीता का मतलब हुआ वो क्या हो गया, एस से क्या हो गया, सऊदी अरबिया हो गया। आई से क्या हो गया, इंडोनेशिया हो गया। टी से क्या हो गया, तुर्की हो गया। ए से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इज इट क्लियर, सुन रहे हैं आप लोग सब लोग ध्यान से? ए से क्या हो गया, अर्जेंटीना हो गया। और बी से क्या हो गया, ब्राज़ील हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, सीता, और ए बी से क्या हो गया, अर्जेंटीना, और बी से ब्राज़ील। अब उसके बाद में SSC का जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो एस से क्या हो गया, साउथ कोरिया हो गया। एस से और भी क्या हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। फिर सी से क्या हो गया, कनाडा हो गया। तो आज के बाद आप SSC का ये फुल फॉर्म याद रखेंगे, कंट्री में अगर G20 में अगर आपको नाम याद रखना होगा तो। ठीक है, तो एस से क्या हो गया, साउथ कोरिया। एस से साउथ अफ्रीका, और सी से क्या हो गया, कनाडा हो गया। एफ से हम देखते हैं, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें भी बहुत सारे वैकेंसी आती है। तो ये एफ से क्या हो गया, फ्रांस। सी से क्या हो गया, चाइना। और आई से क्या हो गया, इटली। इज इट क्लियर? अब उसके बाद मे, तो एम से क्या हो गया, मैक्सिको। और ई से क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन। तो आप काउंट कर सकते हैं इस तरीके से, 20 कंट्रीज ऑलरेडी इंक्लूडेड। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हेंस द 20 कंट्रीज यू कैन रिमेंबर। इस तरीके से क्या होगा कि आप 20 कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करें G20 में, आप बहुत इजी वे से आप याद कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सब लोग समझ गए? तो दो चीज़ आप समझ गए, पहला क्या चीज़ कि G20 में कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए, उन सारे कंट्री का नाम क्या है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि G8 में कौन कौन से कंट्री है, ये सारा चीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला चलते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रायोका क्या है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, ट्रायोका क्या है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप ये देख रहे हैं ट्रायोका, ठीक है, G20 ट्रायोका क्या है। इसमें तीन कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, हमेशा ट्रायोका में तीन कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी जो लीडिंग कंट्री है, जो जिसके अंडर लीडरशिप है, तो वो इंडिया के अंदर है। 2023 में लीडरशिप इंडिया के पास है। इज इट क्लियर? उसके बाद में 2022 में लीडरशिप किसके पास था, तो वो इंडोनेशिया के पास था। ठीक है ना, फिर उसके बाद में 2024 में, मतलब कि नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर में आने वाला है G20 के, जहाँ पे अध्यक्षता होगा वो ब्राज़ील में होगा। वो कहाँ पे होगा, 2024 में। तो यहाँ पे तीन चीज़ है, पहला क्या चीज़, पास्ट। यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, पास्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज, फ्यूचर। तो हमेशा पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही कहलाएगा क्या चीज, ट्रायोका। अगर कोई पूछे तो आप क्या उसको जवाब देंगे, देखिए जवाब ये देंगे कि इस समूह का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। अस्थायी सचिवालय इसलिए नहीं है क्योंकि एक कंट्री के पास रिमोट नहीं है, वो तो चेंज होता रहेगा क्योंकि सारे कंट्री का इसमें डेवलपमेंट करना है। जितने भी G20 के अंतर्गत जितने भी सारे कंट्री है, तो सबका डेवलपमेंट करना है। तो एक ही आदमी अगर बार बार बताइए कि अगर अध्यक्षता करेगा तो वो तो फिर इतना मैनेज करने में उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इसलिए सबको चांस दिया जाएगा और सब लोग क्या करेंगे, इसका अध्यक्षता करेंगे। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता ट्रायोका द्वारा समर्थित देश है, पिछला, वर्तमान और आने वाला जो भी देश है। तो अगर कोई पूछे, क्योंकि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, यहाँ से आपका MCQ बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, VBI MCQ बनेगा। पहला क्या चीज़ कि 2022 में किसने अध्यक्षता की, तो आपका आंसर होगा क्या चीज़, इंडोनेशिया। क्लियर है?
2023 में कौन कर रहा है, अभी चल रहा है तो भारत, वैसे भी आपको पता है कि भारत विश्वगुरु बनने वाला है, हो ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 2024 में, कौन, ब्राज़ील। तो इस तरीके से आप समझ गए कि ये ट्रायोका क्या है। इज इट क्लियर? आई होप कि आप समझ गए होंगे ट्रायोका के बारे में, और अगर कॉम्पिटिशन में पूछे, कोई भी एग्जाम में पूछे, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट हम लोग थीम के बारे में। थीम के बारे में क्या चीज़ बात करेंगे, किस तरीके से थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से MCQ एक नंबर का होगा कि भारत में होने वाले G20 की थीम क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि पहले ये G20 अध्यक्षता का विषय क्या है, वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम क्या है, देखिए स्टार्टिंग में ये कम आपको इधर बताए हुए हैं कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं क्या चाहिए, वसुधैव कुटुम्बकम, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, आप इसको याद कर लेंगे, क्वेश्चन दे देगा क्या चीज़ की भारत में होने वाले G20 की थीम क्या है, क्या थी या क्या रहेगा, सब कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आप ध्यान देंगे वसुधैव कुटुम्बकम, या मान लीजिए कुछ और दे दे, ठीक है, हरितगिरी प्रवाह, या फिर कुछ कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है, ये क्वेश्चन सेटर के दिमाग के ऊपर है, लेकिन आप जो जानते हैं वही जानते हैं, आप इसे डिबेट नहीं होंगे। क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं क्या चीज़, ठीक है, एक पृथ्वी एक कुटुम्ब एक भविष्य, ठीक है, इस तरह से ऐसा हो गया। और देखेंगे इसे कहाँ से लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसे कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो इसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया, ज़्यादा मतलब आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ होगा, इसलिए आप इसको एकदम एक्यूरेट जो भी मामला है एकदम क्लियर जो पूछ रहा है आप उसको आंसर करेंगे, और बिना किसी डिविएशन का आप एग्जाम में टिक करेंगे तो हम जहां तक समझते हैं बहुत इजी वे से आप समझ सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आएगा क्या चीज़ की इसके अध्यक्षता का विषय क्या है, तो याद रहेगा आपको वसुधैव कुटुम्बकम, ठीक है, इसका मतलब क्या चीज़, एक पृथ्वी एक कुटुम्ब एक भविष्य, यहाँ कुटुम्ब का मतलब क्या हो गया, फैमिली मेम्बर, ठीक है। और इसे कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया। क्लियर है ना? तो आई होप कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत इजी वे से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए कि इसका लोगो क्या है, व्हाट इज़ द लोगो ऑफ G20, ठीक है ना। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि हमारा जो भी मतलब ये आप देख रहे हैं कमल के फूल पर पृथ्वी को रखा गया है, और इसका मतलब क्या होता है, और इसमें कौन कौन से कलर का यूज किए हैं, ठीक है। नेशनल फ्लैग का जो हमारे पास कलर है उसको यहाँ पे कलरिंग किया गया, तो यहाँ पे लिखा गया, अगर क्वेश्चन है कि ऐसा है जी कि G20 लोगो का लोगो, देखिए कैसा है, मान लीजिए कह देगा कि इसमें से G20 का लोगो है और चार तरह का पिक्चर बना देगा, तो आप तो देखकर ही टिक कर लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, जो ऐसा न्यूज़ नहीं पढ़ते या फिर इस तरह का नहीं पढ़ रहे, तो फिर उसके लिए मामला हो सकता है भाई कौन सा कलर उसमें यूज किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग, ठीक है, कौन कौन सा, सैफ्रॉन वाइट ग्रीन और नीले रंग से क्या किया गया, प्रेरित किया गया, मतलब वो चीज़ उसमें इंडल किया गया, इंक्लूड किया गया, ठीक है। बाकी आप नेशनल फ्लैग के कलर के बारे में बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, कौन सा कलर किस तरह का संदेश देता है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। अब इसको कैसे अरेंज किया गया, व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ दिस लोगो, तो ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर, ठीक है, कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, और इसका मतलब क्या है, चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। आपके पास बहुत प्रॉब्लम है, डजेंट मैटर, आपका डेवलपमेंट कम नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द मैटर, ओके। तो ये थोड़ा सा है, चुनौतियों के बीच किसको दर्शाएगा, ये विकास को दर्शाता है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं, ऐसा चीज़ क्या चीज़ कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि G20 में और किस किस मुद्दों पर बात किया जा रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है, बात समझ में आ रहा है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। पहले तो कह रहा है क्या चीज़ कि 2007 के ठीक है वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था, और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया।
इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब पहले 2007 में अपने ही लेवल तक इसको रखा गया, फिर 2 साल बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक रखा गया, ताकि क्या मामला है कि बहुत अच्छे तरीके से हम उसको हैंडल कर सकें और एक दूसरे कंट्री का कोऑपरेशन मिले ताकि डेवलपमेंट में कोई कमी ना हो और बहुत ईजी वे से डेवलपमेंट सारे लोग का, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि G20 क्या है कि वो हर एक एक साल पर सारे कंट्री के साथ होगा, इसका मेन एजेंडा क्या है, ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर, इकोनॉमिकल इसमें मेन है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी कंट्री अगर इकोनॉमिकल काफ़ी स्ट्रांग है, उसके बाद बहुत पैसा है, तो पी से पैसा होता है, पी से पावर होता है, ठीक है, तो दोनों पी से ही हैं, तो इसलिए इकोनॉमिकल वे से एक दूसरे को क्या करेंगे, वो कॉपरेट करेंगे ताकि वो लोग हर तरीके से सुखी संपन्न रहे, उनमें डेवलपमेंट हो। लेकिन इसके बाद भी इसका कुछ एजेंडा है, ठीक है, वो एजेंडा क्या था, अन्य बातों के साथ इसमें किस पर, मतलब व्यापार पर, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर, फिर सतत विकास पर, स्वास्थ्य पर, एग्रीकल्चर पर, एनर्जी पर, ठीक है, इन्वायरमेंट पर, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी इसमें मामले क्या किए गए, शामिल किए गए हैं। तो ये सब बातें हैं, मान लीजिए कभी क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग में इस तरह से दे दे कि बताइए कि इनमें से और कौन सा एजेंडा नहीं था, ये भी हो सकता है। तो आप ध्यान से ये सारे वर्ड्स को देखेंगे, मान लीजिए UPSC के एग्जाम में आप बैठे हुए और कह देगा कि G20 में भी जो भारत द्वारा आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता जो भारत के द्वारा की गई, इसमें मतलब कौन सा मुद्दा, कौन सा एजेंडा नहीं शामिल था, तो आप देख रहे हैं कौन कौन सा शामिल है, फिर से आप समझ लेंगे कौन कौन सा शामिल है, ठीक है, व्यापार, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी शामिल किया गया था। इसके अलावा जो ऑप्शन होगा तो आप उसको बोल देंगे क्या चीज कि नहीं शामिल किया गया था, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये तो आप ट्रायोका के बारे में समझे हैं, अब देखिए कि ये किस तरीके से हैंडल किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है G20 ये प्रेसिडेंसी का। कह रहे कि G20 जो हमारा प्रेसिडेंसी है, ठीक है, वो एक वर्ष के लिए किया जाता है, ये तो फिक्स है कि एक वर्ष के लिए होगा, कहीं भी होगा एक ईयर के लिए होगा और एक ही वर्ष के लिए होगा, ठीक है। और कह रहा है कि इसका जो किया जाता है ये कितने तरीके से हैंडल होता है, इसमें कितने पैरेलल ट्रैक होते हैं, तो ध्यान देंगे हमेशा G20 में दो, ठीक है, समानांतर ट्रैक होते हैं। अगर पूछा जाए कि G20 में कितने ट्रैक होते हैं तो आप समझेंगे क्या चीज़ कि 2 पैरेलल ट्रैक, ठीक है, 2 पैरेलल ट्रैक होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रैक, और सेकेंड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, शेरपा ट्रैक। देखिए ये क्या होता है, पहला ट्रैक होता है जिसको बोलते हैं कि विथ ट्रैक, और दूसरा क्या होता है, शेरपा ट्रैक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि शेरपा ट्रैक क्या है, ठीक है, विथ ट्रैक तो आप समझ रहे हैं फाइनेंशियली जो सपोर्ट करेंगे, तो विथ ट्रैक को कौन हैंडल करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, ठीक है, विथ ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। तो याद रहेगा आपको क्या चीज़ कि ये विथ ट्रैक का कौन मतलब लीडरशिप करेगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, ठीक है ना, विथ ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व कौन करेंगे, शेरपा करेंगे। अब देखिए शेरपा क्या है, शेरपा एक जनजाति है, ठीक है, एक ट्राइब्स है जो कि हमेशा रूट फाइंडर, अब देखिए ये रूट फाइंडर क्या है या पथ फाइंडर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब अगर आप माउंटेन पर या किसी पहाड़ पर, ठीक है, चढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको चढ़ाने वाला या फिर रास्ता बताने वाला जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, शेरपा। तो वो ज़्यादातर क्या चीज़, नेपाल के क्षेत्रों में जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहाँ के लोग ये काम करते हैं, तो इसलिए शेरपा जनजातियों के यहाँ रखा गया ताकि वो डेवलपमेंट का रूट फाइंडर काम करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट का रूट वो क्या करेंगे, सेट करेंगे। अब हम लोग आते हैं, एक शेरपा का और भी फुल फॉर्म है, थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे, इसके स्पेलिंग होती है क्या चीज़, SHERPA, ठीक है। तो शेरपा का मतलब क्या हो गया, एक मिनट, सिक्योरिंग, ठीक है, हाइब्रिड इन्वायरमेंट। देखिए हाइब्रिड इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक तो इन्वायरमेंट हो गया, हाइब्रिड इन्वायरमेंट का मतलब ऑलराउंड, जितना भी अभी उसके पहले हम आपको बताएं क्या चीज, जलवायु परिवर्तन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, हेल्थ हुआ, ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी, तो ये सब जितना भी आ जाएंगे ये सब को हम लोग बोल देंगे, ये क्या चाहिए, हाइब्रिड इन्वायरमेंट।
फॉर रिसर्च प्रिजर्वेशन, ठीक है, इसमें रिसर्च करने के लिए, ठीक है। एंड एसेस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक क्या है, संगठन, एक संस्था है जो ओरिजिनली सेटअप इन 2002, ठीक है, एंड रन एंड द मैनेज द शेरपा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ओरिजिनली ये क्या करेगा कि मतलब शेरपा प्रोजेक्ट को रन करने में काफ़ी मदद साबित कर मतलब काफ़ी मददगार होगा, और इसकी स्थापना 2002 में की गई। तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि शेरपा का इन इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, तो अब क्या बात करेंगे, 2002। इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे चलेंगे तो वही सारे बातें हैं इसमें। तो इस तरह से आप समझ गए क्या चीज़ कि G20 की स्थापना कब की गई। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट, ओके। तो भारत जो है वो लीडरशिप कर रहा है, ठीक है, इसका नेतृत्व करेगा कब तक, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, 23 तक क्या करेगा, G20 की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। क्यों इसका स्थापना किया गया और इसमें पहले G8 का कौन सा कंट्री है, ये भी आप समझ गए, इज इट क्लियर? उसके बाद में आता है क्या चीज़ हमारे पास, G20 में कौन कौन से कंट्री शामिल है, ये भी बहुत अच्छे से समझ गया। गुरुजी सीताब SSCFCI में क्या करती है, जॉब करती है, इस तरह से। फिर ट्रायो का क्या है, कितने कंट्री पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, पास्ट में कौन सा है, प्रेजेंट में कौन सा है, फ्यूचर में कौन सा है, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि हमेशा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इज इट क्लियर? फिर आगे हम चलते हैं तो इसका थीम क्या है, तो थीम और ये आप स्टेटमेंट पूरा याद रखेंगे, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग क्या चीज़ कि ये लोगो किस तरीके से है और इसका एजेंडा क्या है और क्या इसका थीम है। तो हम समझते हैं कि आई होप आप G20 के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन जान गए होंगे जो कि आपके मतलब आने वाले एग्ज़ाम में, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन का कुछ फ्रेमिंग किया है जो कि क्वेश्चन आपको PDF द्वारा मिलेगा और फिर उसका डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद, इसमें ज़्यादा नहीं मतलब 8 या 10 क्वेश्चन हमने फ्रेमिंग किया है और आप उस 8 या 10 क्वेश्चन को अच्छे से हमको सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू, आई होप आप लोग सब लोग इसको समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।